तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे जुपिटर मनी ऐप के अंदर रेफर कर अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं। वैसे तो जुपिटर मनी बैंक एक नियो बैंक है जिसके अंदर आप डायरेक्टली जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे तो इसका कोई भी एक फिजिकल बैंक नहीं है, ये एक नियो बैंक है, मतलब इसके अंदर आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होता है और जीरो मेंटेनेंस चार्ज के साथ ओपन होता है। अब इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है कि कैसे इसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप आई बटन पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि कैसे इसके अंदर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले आप इस पर अपना अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद कैसे इसके अंदर आप रेफर करके अर्निंग करोगे, मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों जैसे ही इसके अंदर आप अपना अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इस जुपिटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस जुपिटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग इस इंटरफेस पे आ जाओगे। अब आपसे ये बायोमेट्रिक सिस्टम मांगेगा। यहाँ पर आप लोगों को अपना बायोमेट्रिक सिस्टम देने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस पे अपनी स्क्रीन पे आ जाते हो। अब आप लोग सबसे पहले इसके अंदर देख सकते हो कि मेरे पास इस वक्त इसके अंदर कोई भी अमाउंट नहीं है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं कि इसके अंदर अभी करंटली मेरे पास जीरो रुपए हैं। अब मैं आपको इसमें सबसे पहले प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर मैं अपना रेफर करता हूं और रेफर करने के बाद मैं इसके अंदर अर्निंग करता हूं और उस अर्निंग को मैं डायरेक्टली अपने अकाउंट के अंदर कैसे विड्रॉ कर सकता हूं। वैसे तो इसके अंदर आप लोगों को तीन तरीके मिलते हैं अकाउंट के अंदर विड्रॉ करने के। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। जैसे ही आप इस तीन डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, थोड़ा नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको ये रेफर एंड अर्न करने वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पर यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ देख सकते हो। मैंने लगभग 5800 रुपए की अर्निंग इसके अंदर करी है और 299 फ्रेंड्स को ये लिंक मैंने दे चुका है, लेकिन उनमें से कई फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है। मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूं। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हो, यहां पर आकर आपको ये चीज देखने को मिलेगी आपने कितने फ्रेंड्स को ये लिंक दिया है और कितने फ्रेंड्स ने लिंक को एक्सेप्ट कर इसके अंदर अपना अकाउंट बनाया है। अब कई लोगों के डाउट्स रहते हैं कि यार मेरे को इसके अंदर जो रेफर करा हुआ अमाउंट है वो मिल ही नहीं रहा है। कई सारे कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास 299 फ्रेंड्स थे जिनको मैंने ये लिंक दिया था, लेकिन सबके सबने ये अकाउंट नहीं बनाया है। लेकिन जो अकाउंट बनाएगा और पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा तभी मेरे को इसमें 200 रुपए मिलेंगे। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, इन्होंने अकाउंट भी बनाया और इसके अंदर फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर दी, तब मेरे को इसमें 200 रुपए मिल गए। लेकिन अगर बात करी जाए जैसे इन फ्रेंड्स की, तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे पास कोई भी अर्निंग का प्रूफ नहीं है, क्योंकि इन्होंने अकाउंट ही नहीं बनाया। बस इन लोगों ने अकाउंट को क्रिएट करा है लेकिन फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं करी है। अगर ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट यहां पर कर देते हैं तो इनसे मेरे को 200 रुपए की अर्निंग और हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को इतना आप देख सकते हो ये सारे प्रूफ्स हैं। अगर बात करी जाए इसकी, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, अब इधर क्या है, इन्होंने अकाउंट लिंक पे तो क्लिक करा लेकिन अकाउंट क्रिएट नहीं करा और पहली ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट नहीं करी है, इसलिए उनका नाम भी इसके अंदर शो नहीं कर रहा है। नाम उन्हीं का शो इसके अंदर करेगा जिन लोगों ने या तो अकाउंट बना लिया होगा या फिर आपका अकाउंट बनाने के बाद पहली ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर ली होगी। जैसे कि इन्होंने अभी तक अकाउंट ही क्रिएट करा है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं करी है। अगर ये यहां पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे तो यहां पर 200 रुपए मेरे को शो हो जाएंगे। और उसके बाद मैं अब इसे कैसे विड्रॉ करूंगा मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं। अब आप लोग थोड़ा बैक करना, बैक करने के बाद और बैक जाना, थोड़ा बैक आ जाते हैं, होम पेज पे आ जाते हैं। अब आप देख सकते हो यहां पर आपको 8K ज्वेल दिखाई दे जाएंगे। अब यहां पर आपको इजीली विड्रॉ कर सकते हो, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहां पर आपको रिडीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब रिडीम के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, जैसे मैं रिडीम के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो मेरे जो 8000 ज्वेल्स थे उसमें से मैं 5000 रिडीम कर सकता हूं और 3000 जो रिडीम है वो मैं बाद में कर सकता हूं। अब मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूं कि ये 3000 मेरे को यहां क्यों शो हो रहे हैं, अब मैं इनको रिडीम कब कर सकता हूं। अब आप लोगों के जो डाउट रहते हैं कि मेरे को रिडीम नहीं मिल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंदर आप लोग जैसे अकाउंट बनाते हो तो इसके अंदर आप तुरंत की तुरंत रिडीम नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको यहां पर रिडीमेबल टाइम दिया जाता है। जैसे कि इसमें आपको शो हो रहा है कि जो आपका फ्रेंड है उसने 6 अप्रैल को इसमें अकाउंट बनाया था और उसका जो रेफरल अमाउंट है वो आप 21 अप्रैल को, मतलब आफ्टर 21 अप्रैल को इसके अंदर आप विड्रॉ कर सकते हो। मतलब जैसे कि आज 21 तारीख है तो इसके अंदर मैं अगर आज इसे विड्रॉ करूंगा तो मेरे को ये पैसे इसके अंदर आज, मतलब थोड़ी देर बाद मिलेंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर अपना रिडीम करा हुआ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसमें बता दूं, इसके अंदर आपको तीन तरीके मिलते हैं रिडीम करने के। एक तो इसके जो भी आप इसके जो अमाउंट है वो आप इसमें गिफ्ट कार्ड के अंदर, मतलब गिफ्ट कार्ड के थ्रू इसको लेना चाहते हो। दूसरा, डिजिटल गोल्ड के थ्रू इसके अंदर आप लेना चाहते हो। तीसरा, कैश के थ्रू आप इसमें लेना चाहते हो। तो भाई अगर मैं इसमें कैश के थ्रू लेना चाहूंगा तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? अब 5000 ज्वेल की जो कीमत है ना वो 1000 रुपए है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना मुझे। अगर मुझे 5000 ज्वेल को पूरे का पूरे विड्रॉ करना है तो मैं डायरेक्टली ड्रैग कर दूंगा। अगर मुझे सपोज इसके अंदर 5000 की जगह सिर्फ थोड़े कम करने हैं तो मैं इधर माइनस पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे पूरा ही चाहिए तो मैं इस पर पूरे पे क्लिक करके डायरेक्टली इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आऊंगा। सिंपली मुझे सिर्फ इतना करना है। जैसे ही मैं इसमें ये प्रोसेस कर दूंगा, आप देख सकते हो 5000 = 1 ज्वेल, मतलब 1000 रुपए। अब मैं गो बैक पे जाऊंगा। अब 1000 पे जाने के बाद मेरे को बैक वाले ऑप्शन पे जाना है। अब मैंने जैसे कि आप लोगों को यहां पहले दिखा दे रहा हूं, और ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं आपको लाइव इसमें प्रूव करके बता रहा हूं। अब आप देख सकते हो मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा, इसके अंदर मुझे अब 1000 रुपए शो हो जाते हैं। ये लाइव प्रूफ मैंने आपको करके दिखाया है कि डायरेक्टली ये 1000 रुपए मैं अपने अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर पाया हूं। आप देख सकते हो यहां 8000 शो हो रहा था, अब ये सिर्फ 3000 शो हो रहा है। इसके अंदर आप इजीली इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। इसकी अकाउंट बनाने की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता रखी है। आप आई बटन पर क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इजीली आप इस पर सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएं, उसके बाद इसमें कैसे रेफर करोगे और उसका रेफर करा हुए अमाउंट का कैसे एंजॉय कर पाओगे वो आप इजीली देख ही सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।